जैसे ही घर वालों की तरफ से रिश्ता तय हुआ, व्योम और देविका के फोन का सिलसिला शुरू हो गया। सुलझे विचार, जीवन के प्रति जिम्मेदाराना नजरिया। क्या तुम 2-3 दिन की छुट्टी ले सकती हो? व्योम ने कहा। पापा कह रहे हैं कि इसी माह एक रस्म हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ, मुझसे भी यही कहा जा रहा है, ले ही लेते हैं। देविका ने भी रजामंदी जताई। ठीक है, मैं तुम्हारा भी रिजर्वेशन करा लेता हूँ। निश्चित दिन दोनों अपने घर पहुंचे। दोनों परिवार के कुछ सदस्यों की उपस्थिति में सगाई का कार्यक्रम संपन्न हुआ। व्योम के फूफा जी ने बात शुरू की। भाई शर्मा जी, लेन देन की चर्चा कर लें तो अच्छा होगा। वैसे हमारे गांव में तो इस परंपरा को बनाए रखना हमारी प्रतिष्ठा का विषय है। सभी हतप्रभ हो फूफा जी को देख रहे थे। व्योम के पापा ने कहा, हम तो इस बात से सहमत नहीं है जी। अरे वाह भाई साहब, आप तो हमेशा ही मेरी बात को काटते हैं। अचानक माहौल गरमा गया। फूफा जी उठ खड़े हुए और चल दिए। पीछे पीछे उनका मान रखते हुए सब चले गए। थोड़ी ही देर में व्योम के पापा का फोन आया। भाई शर्मा जी, हमें माफ कीजिएगा, मैं आपसे दहेज की बात नहीं कर सकता हूँ, किंतु अपने जीजा जी को भी कैसे समझाऊं? इसी आवाज के साथ पीछे से फूफा जी की आवाज आ रही थी। उनसे कह दो हमने जो जड़ाऊ गहने और साड़ियां दी हैं सब वापस कर देना। फौरन व्योम के पापा ने फोन बंद कर दिया। शर्मा जी ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर सब सामान इकट्ठा किया और सुबह ही धन्यवाद के साथ उनका सामान वापस कराए। व्योम की नजर एक गत्ते का डब्बा जो छोटे टेबल पर रखा था उस पर पड़ी। उसे खोल कर देखा तो आंखें डबडबा गईं। उसमें थीं हरे कांच की चूड़ियां। न रोक पाया खुद को और फोन लगा दिया देविका को। तुमने हरे कांच की चूड़ियां क्यों वापस की? शायद आधी तो हमने अपने पैरों से कुचल दी, उसी की किरचें हमारे दिल में चुभ रही हैं। अरे नहीं व्योम, आधी तो मैंने अपने पास रखी हैं। हाँ देविका, और आधी मैंने रखी हैं। रुआंसी आवाज में व्योम कह रहा था। इतनी जल्दी हार कैसे मान रहे हो व्योम? हम दोनों के पास ये जो हरे कांच की चूड़ियां हैं ना, ये जरूर आपस में मिलेंगी और तुम ही मुझे पहनाना। इसी मोड़ पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हुए ये लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आप सुन रहे थे शोभा शर्मा जी की लिखी लघु कथा हरे कांच की चूड़ियां। कैसी लगी आपको ये लघु कथा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और लाइक बटन दबाकर अपनी पसंद की भी जाहिर कीजिएगा। अगले पड़ाव पर एक नई लघु कथा, नज्म, कविता या कहानी के साथ मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। इस वादे के साथ इजाजत लेता हूं। रखिए अपना ख्याल। अमित का नमस्कार।